नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। खबर शहडोल से। शहडोल आदिवासी छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन भी पीछे नहीं है। आदिवासी जिले में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा कौशल विकास के तहत मिनी साइंस लैब और स्मार्ट क्लास का निर्माण कराकर छात्र छात्राओं के भविष्य को निखारने में अपनी सहभागिता निभा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन शहडोल द्वारा आदिवासी छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शासकीय स्कूलों में 5 मिनी साइंस लैब और 21 स्मार्ट क्लास का निर्माण कराया। वहीं 2 शिक्षकों की भर्ती भी की है जो बच्चों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराकर उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। रिलायंस फाउंडेशन के इस कार्य को छात्रों ने भी सराहा और बताया कि अब तक वो साइंस सब्जेक्ट में केवल चित्रों और थ्योरी के माध्यम से पढ़ाई करते थे, लेकिन मिनी साइंस लैब में आधुनिक उपकरण और केमिकल उपलब्ध होने से प्रैक्टिकल करके बेहतर तरीके से साइंस को समझ सकेंगे। शासकीय स्कूल के शिक्षकों का भी मानना है कि रिलायंस फाउंडेशन द्वारा किए गए इस कार्य से आदिवासी छात्र छात्राओं को बेहतर तरीके से शिक्षा मिल सकेगी। शहडोल जिले में स्थित रिलायंस फाउंडेशन ने 5 मिनी साइंस लैब और 21 स्मार्ट कर्ल्स से अब तक 750 छात्र साइंस लैब और 2900 छात्र छात्राएं स्मार्ट क्लास से लाभ लेकर बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो स्मार्ट क्लास है तो उसमें जो देखने से हम जो देखते हैं तो उससे हम लोग देख भी पाते हैं और अच्छे समझ भी पाते हैं कि क्या बताना चाह रहा है। और स्मार्ट क्लास और जो मिनी साइंस लैब पहले था साइंस लैब, लेकिन वो बड़े बड़े दीदियों के लिए था, दीदी भैया के लिए। हम लोग उसमें नहीं था, तो हम लोग बड़े बड़े वो थे, मतलब अम्ल थे, तो वही सब थे तो हम लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन मिनी साइंस लैब से हम लोग अपना पढ़ाई भी कर पाते हैं। जो काम हम क्रियाकलाप करके कर पाते हैं वो हम लोग उसमें नहीं कर पाते पढ़ के, लेकिन हम जो क्रियाकलाप करते हैं अच्छी देर तक और अच्छे दिन तक हमें याद रहता है ये सब। पहले हम लोग के यहाँ पे लैब नहीं था, फिर ये रिलायंस कंपनी ने यहाँ लैब बनवाया स्कूल में। इससे हमें बहुत सुविधाएँ मिली, यहाँ केमिकल लैब और सभी तरह की वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और हमें यहाँ ले जाके दिखाया जाता है, यहाँ प्रयोग करके दिखाते हैं और हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने। इसके पहले आपके स्कूल में सुविधा थी? नहीं, पहले नहीं थी। अब रिलायंस क्या दिक्कत आती थी आप लोगों को? हमें सिर्फ बताया जाता था पर हम देखते नहीं थे ये सब होते हुए। हाँ, पर अब हम देखते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं। रिलायंस कंपनी ने बहुत अच्छा किया। तो यहाँ शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले और शहडोल जिले के अंदर 21 डिजिटल क्लासरूम जो हैं रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से लगाए गए हैं और 5 मिनी साइंस सेंटर जो हैं वो लगाए गए हैं। तो इनके पीछे मेन उद्देश्य तो ये है कि जो बच्चों के जो लर्निंग आउटकम है उसमें थोड़ी वृद्धि हो, और उसके अलावा जो अनुपस्थित रहते हैं छात्र उनके थोड़ा और स्कूल में इंटरेस्ट जगे, और जो छात्र जो अनुपस्थित रहते हैं वो थोड़ा कम जो वो रेगुलर हों स्कूल के अंदर। और इन दोनों मिनी साइंस सेंटर और जो स्मार्ट क्लास है उनके माध्यम से तकरीबन 2900 बच्चों को अभी यहाँ पे जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और सारी के सारी जितनी भी स्मार्ट क्लासेस हैं वो सरकारी स्कूलों के अंदर ही लगाने का हमारा मेन उद्देश्य है। जितने भी ट्राइबल स्कूल्स हैं वो हमारे मेजर फोकस एरिया में अभी हैं। योजनाएं बनाई जा रही हैं और अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है यहाँ के तकरीबन 18 क्लासों के अंदर जो है हमारे रेमेडियल टीचर जा रहे हैं, और जितने भी एकेडमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं या जिनकी जो भी स्लो लर्नर्स हैं जो कि धीरे सीख पाते हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा करवाई गई है। और 8वीं क्लास के अंदर जो अभी बोर्ड एग्जाम्स है उसके अंदर भी हमारे जो है 3-4 टीचर और उसमें लगाए गए हैं कि उनकी तैयारी और अच्छे से करवाई जा सके। शुरू में जब मैं इस स्कूल में आया था तो मेरे पास केवल 5-6 कमरे ही थे। धीरे धीरे विभाग की तरफ से हमको बिल्डिंग मिली, उसका विकास किया गया। इसके बाद हमको नई बिल्डिंग मिली, इसमें एक पब्लिक स्कूल की तरह एक सोच की तरह इसको डेवलप किया गया। स्मार्ट क्लास और मिनी साइंस लैब से बच्चों को जो थियोरेटिकल या ब्लैक बोर्ड पर जो 3D माध्यम से नहीं दिखा सकते थे उससे इनको बहुत लाभ मिल रहा है। हर टॉपिक का यहाँ पर एपरेटस मौजूद है, यदि उनको कहीं भी शंका होती है तो बच्चे स्वयं करके सीखते हैं और उससे उनका ज्ञान स्थायी बनता है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे एरिया में रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से ये सुविधा मुहैया कराई गई, और बराबर कॉपरेट करते हैं। जो हम सब्जेक्ट के टॉपिक्स मांगते हैं वो टॉपिक्स इन्होंने फीड किए हुए हैं, और जो टॉपिक्स से संबंधित है वो सारे अपरेटस रखे हुए हैं, इसलिए इससे बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है।
जो ट्रैवल के बच्चे हैं उनको इन सारी चीजों से किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है? उनकी जो बेसिक कमजोरियां थी वो सामने कोई चीज देखते हैं तो उससे जल्दी पकड़ पाते हैं। जैसे सपोज करिए, जैसे हम एक पिंड के बारे में बताते हैं, एक लोलक के बारे में बताते हैं, चित्र में केवल उसको चित्र दिख रहा है, यहाँ उसको बाकायदा पूरा एपरेटस दिख रहा है और मूव करके देखता है कि भाई वास्तव में लोलक का हमारे यहाँ या पेंडुलम का हमारे उसमें किस तरह से उसको प्रैक्टिकल करना है, कैसे उसकी थ्योरी बनती है, वो सारा प्रैक्टिकल स्वयं करके देखते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बनी रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन